हाय गाइस, बोलो। हाय गाइस। ऐसे बोलते हैं करके दो। क्या बोलना? हाय गाइस। अरे आप बोल रहे थे आप मेरे साथ क्या करोगे आज? मेकअप वाला वीडियो। मेकअप वाला वीडियो? आपको मेरा मेकअप करना है? पीछे पड़ गए। आपको मेकअप करना आता तो है नहीं। कैसे करोगे मेकअप? नहीं बताओगे? पीछे से बहुत शोर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना? क्या चल रहा है बोलूँ आपको? नहीं रहने दो आप बेटा। वो चल वो अंकल वो नीचे। नहीं मम्मा। हाँ। हमारे साथ वाले फ्लैट में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ से तेज आवाज आ रही है ना। हाँ। आप कहाँ जा रही हो? प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस तो मम्मा कराएगी। तो गाइस हम दोनों नहा चुके हैं। अभिमन्यु तो पहले ही नहा लिया था मेरा। 11:30 बजे तक सारा काम हो गया था और उसके बाद मैंने अभिमन्यु को नहला दिया था। मैं जस्ट अभी उसके बाद आप मेरे साथ बनाना चैलेंज करोगे? क्यों? आपने कल किया तो था पापा के साथ। मेरे साथ? पर मम्मा को तो बनाना पसंद ही नहीं है बेटा। एप्पल पसंद है मम्मा को तो। मैंने पापा से एप्पल मंगाए तो फिर वो पापा एप्पल लेके आए हैं। कहाँ वो? हैं? फ्रिज में हैं। पर अभी तो आपने पराठा खाया है तो आप चैलेंज कैसे करोगे? चैलेंज कर लूँगा। आप हार जाओगे फिर क्योंकि मम्मा को तो भूख लग रही है। मैं बनाना भी खा लूंगी। चलो शाम को करेंगे। अभी अभिमन्यु ने नीचे बैठो। अभी अभिमन्यु ने अपना लंच किया है और लंच में उसने पराठा बनवाया था है ना। और ऐसे नहीं करना। तो ये बोल रहा है कि मम्मा आपके साथ बनाना चैलेंज करूंगा। आजकल ना इसने ना हमारी गोलगप्पे वाली जब हम शूट कर रहे थे गोलगप्पा चैलेंज वाली वीडियो जो मैंने कुलवीर सहगल के साथ शूट की थी तो इसने वो चैलेंज देखा था। तो ये वीडियो भी देख लेता है कभी कभी। तो मेरी फोन में ना वीडियो रखी हुई है, मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया। तो बोल रहा था कि मम्मा कल इसने अपने पापा के साथ भी ऐसे ही किया कि पापा मैं आपके साथ ना बनाना चैलेंज करता हूँ। इसी बहाने से चलो बच्चे कुछ खाते तो हैं। तो आज ये मेरे को भी बोल रहा है कि मम्मा मैं आपके साथ चैलेंज करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपके साथ करूँगी चैलेंज। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो भी शूट करूँ। अगर ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो फनी वीडियो भी शूट हो जाएगी और इसी बहाने ये कुछ हेल्दी भी खाएगा। तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में क्योंकि मुझे अभिमन्यु के अभी एग्जाम की प्रिपरेशन करानी है। तो मैंने इसकी ना बहुत सारी शीट्स मंगा के फोटोस्टेट करा के रखी हुई हैं सारे सब्जेक्ट्स की। तो इन्हीं शीट्स से मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। ये आइडिया वैसे इसके पापा ने दिया था मुझे कि पहले मैं इसे क्या करती थी इस तरह की जो पिक्चर। हाँ जी पहले आप नीचे दिख ही नहीं रहे वीडियो में। हाँ इस तरह से ना इसकी जो एक्टिविटीज है वर्कशीट्स है तो इस तरह की हिंदी इंग्लिश और कुछ इसकी EBS की वर्कशीट है। तो मैंने सारी जो है ये कॉपीज निकलवा ली है। इसे पापा अपने ऑफिस से निकाल के ले आए हैं। तो इन्हीं से मैं प्रैक्टिस कराऊंगी क्योंकि मैं ड्रॉ करके देती थी तो फिर बच्चों को थोड़ा सा एग्जाम में इस तरह से आएगा तो डिफरेंट शेप वगैरह में ड्रॉ करने में थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप कराओगे प्रैक्टिस तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो मैंने काफ़ी सारे शीट्स करा रखी है फोटो स्टेट्स। तो इनमें से मैं कुछ मैं इसके फ्रेंड को भी दे दूंगी क्योंकि उनकी मम्मी ने भी मुझे बोला था कि उनके बेटे का नाम सक्षम है कि उसके लिए भी भाभी जी आप निकलवा दे देना भैया को बोल के। तो एक्स्ट्रा शीट्स हैं तो आधी मैं उनको दे दूंगी। तो चलो चलो अभी मन्नू प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश का पेपर है ना बेटा, करोगे? बताओ अब आपको ए टू जेड आता है ना? अच्छे से मैम को करके दिखाओगे? किसने सिखाया ए टू जेड? मैम ने। और मम्मा ने? और पापा ने। यहाँ बताओ अच्छा ज्यादा अच्छा कौन पढ़ाता है, मम्मा पढ़ाती है मैम पढ़ाती है? मैम। और मम्मा? मम्मा नहीं पढ़ाती। ठीक है मैम ही अच्छा पढ़ाती है, अभी मम्मा कैसे पढ़ा सकती है। ठीक है बेटे एक और बुक भी तो है, देखते हैं इसको कितना आता है, कितना इसकी मैम ने कराया। मैम ने तैयारी कराई मम्मा ने? मैम ने। और मम्मा इतना कुछ कराती है, वो मम्मा इतना सिखाती है सारा दिन।
होता है, अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं इसको ना ओरल का करा रही हूँ, क्योंकि जब तक बच्चों को ना ओरल का नहीं पता होगा तो फिर वो रिटर्न में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं इसे ओरल ही सुन रिवाइज करा रही हूँ। आता तो है इसे, जस्ट वन वर्ड ही इसके मैम इसकी है ना सुनेगी। जैसे तीन तीन दिए हुए ना, तो इनमें से कोई एक भी जो बच्चों को अच्छे से आता हो तो वही सुनेगी इसकी मैम। वैसे तो इसे ऑलमोस्ट सारे आते ही हैं, पता ही है। बताओ फिर, व्हाट इज दिस? आप तो गुड बॉय है ना, मम्मा ने सब कुछ सिखाया ना आपको। वेरी गुड। उसके बाद उनका आपने बनाया था, कहाँ है वो? आप ढूंढो, एग्जाम में आपको अपने आप करना बेटा। ठीक है, ये तो आपने लिखा ही नहीं। ध्यान से देखो सब कुछ है यहीं पे। मिल गया, वेरी गुड। जो बच्चे हेल्दी खाना खाते हैं ना, ऐसी अच्छी अच्छी पढ़ाई आती है उनको, पता है? हेल्दी खाओगे ना किसे? क्या खाओगे हेल्दी? इसको कैसे मैच करूं? आप देखो, सोचो। वेरी गुड, क्लैपिंग, नाइस, गुड बॉय। पूरा हो गया? नो, ध्यान से देखो। यस, एफ एफ एफ, यस, वेरी गुड। अब सर्कल द करेक्ट लेटर, इनमें से देखो कौन सा सही है उसके ऊपर। ये वाला, पहले यहाँ से शुरू करो ना बेटा, ये वाला। हाँ, यहाँ से देखो कौन सा करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग है ना। जो राइट है उस पे सर्कल ड्रॉ करना। ओके, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। कर लोगे एग्जाम में अच्छे से? मैम को लिख के दिखाऊंगा। मैम को दिखा दोगे लिख के? हाँ। वेरी गुड बच्चा। अच्छा मेरे को ये बताओ, हेल्दी खाना कौन कौन सा होता है? बनाना। बनाना, और वो तो आप मेरे साथ चैलेंज करोगे ना, और क्या होता है हेल्दी खाना? वेरी गुड। अभिमन्यु ने अपनी शीट्स कंप्लीट कर ली है, ये वाली शीट, और मैंने इसका साथ के साथ चेक भी कर लिया बहुत अच्छे से मैंने इसे। एग्जाम में भी ये लिख के दिखा देगा, लिख के दिखा दोगे ना मैम को अच्छे से?
के देखते हैं क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो? नहीं बेटा पैसे नहीं, इसमें नहीं है बेटा, पापा ने रख दिए हो तो। चलो चलो सुनो, अब दूसरी अब हो गई प्रैक्टिस, बाकी शाम को पढ़ेंगे। एक दिन में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत सारा पढ़ना है। दूसरी प्रैक्टिस हम शाम को करेंगे नोटबुक में, मम्मा कराएगी। ओके सुनो 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 सुनो, अब बोलो। ब्रेड रोल बेटा, ब्रेड रोल कल तो बनाए थे, रोज रोज ब्रेड रोल थोड़ी ना खाते। अभी तो हम बनाना खाएंगे। आपने क्या बोला था अभी कि मैं तो हेल्दी खाना खाऊंगा, फिर मैंने पूछा कि हेल्दी क्या होता है, आपने बोला बनाना। ब्रेड रोल खाने है, चलो ब्रेड रोल भी खाएंगे। पहले वीडियो का एंड तो कर दे, आजो। नहीं छोटा नहीं करना, ट्राइपॉड को बोल रहा है कि मैं छोटा करूँ, मैंने एक कैमरा फोन लगा रखा ना ट्राइपॉड पर, तो बार बार बोल रहा है कि इसे छोटा कर दूँ, इसे छोटा कर दूँ। तो गाइज अगर आपको ये मेरा व्लॉग, छोटा सा व्लॉग जरा सा भी पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अगर मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है आपको, मैं अपने चैनल पे कुकिंग की रेसिपीज भी डालती हूँ और डेली व्लॉग्स भी मैं डालती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है मैं व्लॉग्स भी डालती हूँ। और एक फन चैलेंज भी हमने किया है साथ में, मैंने किया है एक दूसरे यूट्यूबर के साथ, तो वो चैलेंज भी आप मेरा देख सकते हो। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय गाइस, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, और देखती हूँ अगर अभिमन्यु मेरे साथ बनाना चैलेंज करेगा, पता नहीं ये मजाक कर रहा है क्या कर रहा है, तो मैं वो वीडियो भी शूट करूँगी। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, अपने बाय बाय, टेक केयर।